यूपी निकाय चुनाव के पहले चरण के मतदान को अब बस 48 घंटों से भी कम समय का वक्त बचा है। लखनऊ में भी 4 मई को ही मतदान होगा। ऐसे में इसी बीच मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव की चर्चा एक बार फिर जोर से उठी है। लखनऊ कैंट की सीट से पहले टिकट नहीं मिली, अब निकाय चुनाव में भी मेयर का टिकट भी अपर्णा के हाथ नहीं लगा। ऐसे में अपर्णा ने इस सवाल पर चौंकाने वाला जवाब दे दिया। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने कहा कि मैं समझती हूं कि किसी लालच के लिए मैं पार्टी में नहीं आई। लोग पद और प्रतिष्ठा के लिए पार्टी ज्वाइन करते हैं, लेकिन मैंने बीजेपी उस वक्त ज्वाइन की जब 6 मंत्री पार्टी छोड़कर जा रहे थे। मैंने एक परसेप्शन का नाम चेंज किया, लेकिन मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हूँ। मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है, मैंने राष्ट्र के लिए पार्टी ज्वाइन की है। बीजेपी की लीडरशिप मेरे बारे में जरूर सोचेगी, मुझे पूरा विश्वास है। बता दें कि यूपी निकाय चुनाव से पहले चर्चा थी कि बीजेपी लखनऊ नगर निगम मेयर के लिए अपर्णा यादव को टिकट दे सकती है। हालांकि इस सीट पर बीजेपी ने महिला मोर्चा से जुड़ी रही सुषमा खरकवाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा इस सीट पर विपक्षी दलों ने भी पूरी तैयारी के साथ अपने प्रत्याशियों पर दांव लगाया है, जहां सपा ने वरिष्ठ पत्रकार वंदना मिश्रा और बसपा ने विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे मोहम्मद सरवर मालिक की पत्नी शाहीन बानो को अपना उम्मीदवार बनाया है। यूपी निकाय चुनाव के लिए 2 चरणों 4 और 11 मई को चुनाव होना है और इसके नतीजे 13 मई को घोषित होंगे।